यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 27। यशायाह 27। उस समय यहोवा अपनी कड़ी और बड़ी और पोढ़ तलवार से लिव्यातान नाम वेग चलाने वाले सर्प और लिव्यातान नाम टेढ़े सर्प दोनों को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उनकी रक्षा करूंगा, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करने पाए। मेरे मन में जलजलाहट नहीं होती। यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ मुझसे लड़ने को खड़े करता तो मैं उन पर पाव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से भस्म कर देता। वह मेरे साथ मेल करने को मेरी शरण ले तो वह मेरे साथ मेल कर ले। भविष्यकाल में याकूब जड़ पकड़ेगा और इसराइल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। क्या उसने उसको ऐसा मारा जैसा उसने उसके मारने वालों को मारा था? क्या वह ऐसा घात किया गया जैसे उसके घात किए हुए घात किए गए है? जब तू उसको निकाल देता है तब सोच सोच कर और विचार विचार कर उसको दुख देता है। उसने पुरवाई बहने के दिन में उसको प्रचंड वायु से अलग कर दिया। इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा और उसके पाप के दूर होने का फल यही होगा कि वे वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों के समान जानकर चकनाचूर करेंगे और अशेरा नाम मूर्तियां और सूर्य की प्रतिमाएं फिर न खड़ी की जाएगी। गढ़वाला नगर निर्जन हुआ है, वह छोड़ी हुई बस्ती जंगल के समान शून्य हो गई है। वहां बछड़े चरेंगे और वही बैठेंगे और वही पेड़ों की डालियों की फुनगी को खा लेंगे। जब उनकी शाखाएं सूख जाए तब तोड़ी जाएगी, स्त्रियां आएगी और उनको तोड़कर जला देंगी, क्योंकि वे लोग निर्बुद्धि है, इसलिए उनका कर्ता उन पर दया न करेगा और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह न करेगा। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा महानद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को झाड़ देगा, और हे इसराइलियों, तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। उस समय बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा और अश्शूर देश में के नाश होने वाले और मिस्र देश में बरबस बसाए हुए यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे।